of variable x, then derivative of fx is f dash x. और फर्स्ट प्रिंसिपल से तो f dash x is equals to लिमिट h tends to 0 f x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ये है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल. ये फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में हो चुका. आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए डायरेक्ट डेरिवेशन है और वो फॉर्मूला बेस्ड है. और फॉर्मूले अपने पास कितने 20 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले. 20 वेरिएबल एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा. वाई इज ए फंक्शन ऑफ एफ. ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. ये डायरेक्ट करना है हमें. कोई फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल. फंक्शन को पहचानना है और फॉर्मूले अपने पास 17 फॉर्मूले को मैंने कर रखे 20. तो 20 फॉर्मूले लिख लीजिए पहले तो आप. तो वेरिएबल का ध्यान रखना है. एक्स वेरिएबल तो डी वाई पॉइंट डी एक्स निकलेगा. टी है तो डी वाई पॉइंट डी टी विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफरेंशिएशन होगा. तो वेरिएबल तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा. फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में था केवल. अब 12th में कोई फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं है. तो इसके फॉर्मूले हैं ये भी याद रख सकते हो आप. आईलेट को भी याद रख सकते हो. आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन. प्रतिलोम वृत्तीय फलन और ये होते हैं अपने साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स. तो 6 तो ये हो गए. I4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. 6 फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एंड L लॉगरिथम फंक्शन. हिंदी में क्या बोलेंगे इसको. लघु गणकीय फलन. ये लॉग एक्स बेसी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में लॉगरिथम फंक्शन का बेस क्या होना चाहिए. ई नहीं दे रखा है तो ई मानेंगे और दे रखा है तो बेस चेंज करेंगे. और बेस चेंज के लिए देखिए लॉग ए बेस बी को चेंज कर रहे हैं हम. लॉग ए बेस ई अपॉन इनटू लॉग ई बेस बी और लॉग ए बी सी अपॉन लॉग बी बी सी. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में लॉगरिथम फंक्शन का बेस क्या होना जरूरी है. ई कोई नहीं दे रखा है तो ई बेस मानेंगे. दे रखा है ई हो तो ठीक है. अगर कोई और बेस है तो उसको बेस को चेंज करेंगे इस फॉर्मूले से. लॉग ए बेस बी को हमने लॉग ए बी सी मल्टीप्लाई लॉग ई बेस बी और अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो डिवाइड होगा. लॉग ए बी सी अपॉन लॉग बी बी सी ये चेंज करना पड़ेगा. आईलेट A4 अर्थ एलजेब्रिक फंक्शन. एलजेब्रिक बीजगणितीय फलन. और इसमें बीजगणितीय में कौन से जो भी x की पावर के हैं x की पावर n से लेके ऐसे a0x A0 प्लस A0 A1x प्लस A2x स्क्वायर और ANx की पावर n. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ANx की पावर n AN माइनस 1x की पावर n माइनस 1 और लास्ट टर्म क्या होगी कांस्टेंट. तो x की जो
एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होगा, एक्स की पावर वाले जो भी फंक्शन है वो सब एल्जेब्रिक होंगे। तो ए तो छः तो ये हो गए, ए के सेवन और एल्जेब्रिक भी एक एट। फिर क्या आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होंगे छः। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये त्रिकोणमितीय फलन, कितने फलन है इसके छः, छः होंगे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स एंड कॉट एक्स। और आई लेट के बाद ई, ई का मतलब है एक्सपोनेंटियल, एक्सपोनेंटियल फंक्शन, यह इसको बोलेंगे क्या एक्सपोनेंटियल को, चर घातांकी। एक्सपोनेंटियल अपने कौन कौन से हैं, e की पावर x एंड a की पावर x, तो दो ये हो गए भाई। तो कितने फॉर्मूले हुए, छः सिक्स सेवन एट, एट और सिक्स फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और तीन और है, फिर x का x स्क्वायर रूट x का वन अपॉन x का, कुल मिला के 20 फॉर्मूले लिखने। आईलेट का फॉर्म में समाकलन में काम आएगा इंटीग्रेशन में, आईलेट का ध्यान रखना। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का लॉगरिथम, ए एल्जेब्रिक और टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब है एक्सपोनेंटियल चर घातांकी। मैं सूत्र लिख रहा हूँ उसके, ये फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट का पता कैसे, विद वेरिएबल एक्स है तो एक्स के अलावा जो भी फंक्शन सब कॉन्स्टेंट होंगे, एक्स रेस्पेक्ट एक्स करें तो एक्स के अलावा जो भी फंक्शन है वो सब क्या होगा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टी है तो एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सेकेंड के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट क्या होगा वन, टी के रेस्पेक्ट वन। एंड थर्ड, अभी लगा लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो साइन एक्स कॉस एक्स, नंबर चार डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नंबर पाँच डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, सबको याद होने चाहिए sec स्क्वायर x, नंबर सिक्स डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, नंबर सेवन डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x, नंबर एट डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू टेन तो हो गया कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और नंबर नाइन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स एल्जेब्रिक के लिए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एंड टेन डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बराबर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इलेवन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर ट्वेल्व डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, थर्टीन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फोर्टीन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स
वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड 15 डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गई, एल्जेब्रिक हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 16 लॉगरिथम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस सी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। क्या पढ़ेंगे, रीड क्या करेंगे इसको, लॉग एक्स बेस सी। एंड 17 डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। 18 डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए बेस सी। और दो हमने बना रखे हैं। अब ये देखिए, अगर आपसे कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स निकालो, तो आप इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर माइनस वन, और एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला है तो माइनस वन एन एक्स की पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस टू यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 को फॉर्मूला 19 है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट ये भी एक्स की पावर एन से निकलेगा, रूट एक्स ये होगा वन अपॉन टू रूट एक्स। कैसे आया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर वन बाई टू, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन, तो वन अपॉन टू एक्स की पावर वन बाई टू और वन अपॉन टू रूट एक्स। इतना ना करके डायरेक्ट याद रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो है फॉर्मूले, 20 फॉर्मूले हैं, 18 के 20 कर रखें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का विद रेस्पेक्ट एक्स का 1, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक लॉगरिथम फंक्शन। डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको फंक्शन को पहचानना पड़ेगा, फंक्शन किस टाइप में है, उसके लिए थ्योरम्स हैं, 5 थ्योरम हैं सिर्फ पहचानने के लिए, उसके बाद लगाना ये फॉर्मूले। तो डिफरेंशिएशन ऑफ के इनटू एफ एक्स, तो के बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट बाहर आएगा, फर्स्ट थ्योरम। सेकंड, दो फंक्शन की फॉर्म यू भी लगाते हैं अपन, यू और बी ले लीजिए आप, डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस बी, यू एंड बी आर फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये अगर दो है तो दो, तीसरा होगा तीसरा लगा देंगे, ऐसे हो रहा हो मान लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस बी माइनस डब्ल्यू, क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, या दोनों को एक साथ कर दूं प्लस माइनस, ये लो दो फंक्शन के सम और डिफरेंस का डिफरेंशिएशन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, माइनस है तो माइनस, तीन है तो तीन आ जाएगा। और थर्ड के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू बी, यू इंटू बी, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और तीन का प्रोडक्ट भी हो सकता है ना, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू बी डब्ल्यू, एक बार में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमें, यू बी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस
यू डब्ल्यू डी बी अपॉन डी एक्स प्लस बी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये टर्म पहले भी आ सकती है। U का करो पहले तो ये, फिर V का, फिर W का, कैसे कर सकते हो? एक बार में एक का डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, ये थ्योरम्स हैं। अब थ्योरम्स किस बेस पर हैं, उसको लिखा कैसे गया? कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर, दो फंक्शन का सम और डिफरेंस, बीच में साइन आ जाएगा। और U प्लस बी माइनस W तीन है, तो तीनों के लिए जो भी साइन है वो आएगा। और u इंटू बी तो एक रह गया अपना u अपॉन बी, फोर्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन u अपॉन बी। इसको बिल्कुल क्लियर देख लीजिए, v u डैश का मतलब डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी बी अपॉन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। ये पांच थ्योरम बंद है। श्रृंखला नियम, इसकी बिल्कुल आसान पहचान है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कहीं भी वेरिएबल चेंज हो रहा है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, या वेरिएबल चेंज हो गया, वेरिएबल के साथ क्या हो गया, छेड़खानी, चेंज किया इसको, तो ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ भी करते हैं हम, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का वन, ये वन को शो नहीं करते हैं, इंटू वन किसके लिए है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो इसको श्रृंखला नियम या चैन रूल कहेंगे। पहले आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का, फिर उसके बाद 4x का, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए शो नहीं कर रखा है, ये क्या होगा देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ 4x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, याद करें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ 4x इंटू 4, x का डिफरेंशिएशन 1, आ गया 4 कॉस ऑफ 4x। ये है चैन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कहीं भी वेरिएबल एक्स की जगह कुछ और है तो समझ जाना चाहिए कैसा रूल वो है, चैन रूल लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और एग्जांपल देखिए, फंक्शन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेसी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेसी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, एक्स स्क्वायर का हो गया। तो ये है चैन रूल। चैन रूल को करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट आप एक बार में एक फंक्शन को दूसरे को शो करेंगे, या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा भाई, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स है बट यहाँ पर एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये शो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, और ये आ गया 2 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर बेस। इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम हिंदी वालों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम में चैन रूल, या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कहाँ तक जा सकता है, चार, इसको यू भी मान के भी कर सकते हैं, यू और बी की तरह रिप्लेस करके, वो भी देख लो, स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ये हो गया अपना बाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बी सी, बताइए भी क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू लॉग बी बी सी एंड बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ फंक्शन में दो फंक्शन हो गए, यहाँ पर बाई जे फंक्शन ऑफ बी, बाई किसका फंक्शन है, बी का, तो बाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट होगा, बी के, और बी जे फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, तो बी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बी, तो डी बाई अपॉन डी बी, फॉर्मूला बोलेगा लॉग बी का क्या हो जाएगा,
वन अपॉन बी, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्व टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ बी जे फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, किसका फंक्शन है, चर एक्स का, तो यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स का वन, और इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी बी मल्टीप्लाइड बाई डी बी अपॉन डी एक्स, लिख सकते हैं इनको, देखिए डी बी कैंसिल हो रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए डी वाई अपॉन डी बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, क्या आ गया आंसर, टू अपॉन एक्स, दोनों में से कोई मेथड, यहाँ आपको हर फंक्शन को अलग से करना पड़ेगा जैसे ये किया है, यह है चैन रूल और